IVM. Hey everybody, welcome to another awesome week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank our sponsors, Paytm Money. So we had a really interesting week on the network. Definitely check out some of the shows that came out there. We had interesting episodes on Cyrus Says, Advertising is Dead, Filter Coffee Podcast, Ugly Station Adulthood, Mr. and Mrs. Binge Watch, Besa Besa. All of these shows had some really, really cool guests on, and there were some really good episodes out there. Do check them out. I'm sure you'll enjoy them. And with that, let's get you on with your show. स्माइल इंडिया का वक्त आ गया और मैं शिफा माइत्रा आज आपके लिए लाई हूँ बहुत सी मजेदार बातें। घर बैठे बैठे कोयल की आवाज कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ, कभी कभी ऑफिस की चहल पहल याद आती है, पर अब एक नए नजरिए से सोचने का टाइम आ ही गया है। एक कमाल की मिसाल इस बात की है मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर जी। काफी सालों तक वो नर्स थी राजनीति में आने से पहले, तो अब जब उन्होंने देखा कि उनके शहर में कैसे महामारी फैल रही है, उन्होंने एक निर्णय लिया, फिर से एक बार नर्स की वर्दी पहनी और बीएमसी के साइन अस्पताल पहुंच गई काम करने। अधिकारियों को हैरत हुई और नर्सों को बेहद खुशी। उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें ड्यूटी पे तो नहीं रखा गया, पर उनका नाम दर्ज है आपातकालीन स्थिति के लिए। किशोरी जानती है इमरजेंसी क्या होती है, तो आजकल वो रोज सायन, नायर और अन्य बीएमसी अस्पतालों में जाती है नर्सों का हौसला बढ़ाने। ऐसे माहौल में औरों के बारे में सोचना सबसे नहीं हो पाता। शुक्रिया किशोरी जी। अब किस्सा सुनो पलसाना राजस्थान का। यहाँ 50 के करीब मजदूर चलते चलते पहुंचे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रोका और आदेश दिया कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा आगे बढ़ने से पहले। स्थानीय अधिकारियों ने गांव का स्कूल खोल दिया और वो सब वहीं रहे। हैरत की बात उन्हें ये लगी कि सभी उनका ध्यान रख रहे थे, खाना पीना दवाइयां और हर चीज। 2 दिन बाद जब अधिकारी आए तो मजदूरों ने कुछ मांगा, सामान जिससे वो अपने मेजबानों का कर्ज अदा कर पाते। मजदूरों में कुछ पेंटर्स थे, कुछ कारपेंटर्स और कुछ कारीगर। तो उन्होंने खूब मेहनत की, पूरा स्कूल साफ किया, टूटे हुए बेंचों की मरम्मत की, चारों तरफ पौधे लगाए और पूरे स्कूल की पेंटिंग की। कुछ मेहमान अपनी छाप छोड़कर जाते हैं, है ना। नेकी की कहानियां इस वक्त देश के सभी हिस्सों में गूंज रही हैं। अब आसाम से ये किस्सा सुनो। होजाई जिले में देबू साहा का ढाबा है। ट्रक वाले भी कम हो गए थे लॉकडाउन के चलते। देबू देखता था कि पुलिस वाले और नर्से काम में जुटे हुए हैं। उसने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। उसके यहाँ थाली 50 रुपए की थी, पर वो भी कुछ ट्रक वाले नहीं मंगा पा रहे थे। तो देबू ने चुपके से बोर्ड बनवाया और ऐलान कर दिया कि आज से लॉकडाउन पूरे होने तक हर पुलिस कर्मचारी, हर नर्स और हर ट्रक वाले को थाली 1 रुपए में मिलेगी। अब उसके ढाबे में फिर चहल पहल है। पुलिस वाले भी खुश हैं जिस मान और इज्जत से देबू उन्हें खिलाता है। उसका मानना है कि वो खुशकिस्मत है जो इस घड़ी में थोड़ी सी मदद कर पा रहा है। आसाम में देबू ने अपने नफे की परवाह नहीं की, तो वहां जम्मू में 90 साल की दादी ने भी सबका दिल जीत लिया। खालिदा बेगम का बड़ा मन था कि वो हज पे जाए, तो सालों से घर खर्च में से थोड़ा थोड़ा जोड़कर वो पैसे इकट्ठे कर रही थी। घर में सभी को पता था कि दादी उन पैसों को हाथ नहीं लगाएगी और इस साल जाने का मन था। फिर अचानक लॉकडाउन के दौरान दादी ने आकर कहा कि सेवा भारती संस्था में फोन लगाओ। कहा कि लोगों का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा। समाज सेविका आई तो दादी ने अपने हज के पैसे निकाले और पूरे 5 लाख दान कर दिए। कहा कि मुझसे ज्यादा उन बेबस लोगों को इसकी जरूरत है। इस महामारी ने सच में दुनिया बदल दी है। अब जाने से पहले कुछ टिप्स। बहुत से लोग परेशान हैं कि स्कूल कॉलेज बंद है तो बच्चों को कैसे मैनेज करें। मेरा सुझाव है उन्हें बुनियादी चीजें सिखाओ। घर साफ कैसे रखना है, खाना कैसे बनाना है, बल्ब कैसे बदलते हैं, अगर मुमकिन हो तो एक साथ सब्जियां उगाओ, बैंक के छोटे काम कैसे करते हैं सिखाओ, पैसों को कैसे जोड़ते हैं। कौन कहता है तालीम सिर्फ स्कूल में मिलती है। अगर आप देश के बारे में और मजेदार बातें जानना चाहते हो तो गुड न्यूज इंडियंस का पेज जरूर देखिए फेसबुक पे। और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने हैं तो आईवीएम के वेबसाइट पे आइए या जहां से भी आप पॉडकास्ट पाते हो हमें ढूंढ लीजिए। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।
नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा। और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहां प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते। Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead.